आज का राशिफल द 25th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 25 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि शनिवार शाम 6:59 तक रहेगी। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। आज शनिवार सुबह 10:37 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज 25 मई को सुबह 10:07 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा। इसके अलावा 25 मई को नारद जयंती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:10 से 5:46 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:47 में और सूर्यास्त शाम 6:57 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 4:16 से 5:52 तक है। आज शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 9:04 से 10:44 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा सुबह 10:36 तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं: स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है: 1. स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। 2. पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगा जल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। 4. पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजे। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। 5. मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्राप्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। 6. आरती। शनिदेव की आरती करें। 7. प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंग बली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं।
हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर, शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 25 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें अपनी पढ़ाई में सफलता मिलेगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आय के नए स्रोत। आज आपके लिए आय के नए नए स्रोत खुल सकते हैं। आप अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से विभिन्न माध्यमों से धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। यह अतिरिक्त आय आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। नए मकान, वाहन, दुकान की खरीदारी। आज आप किसी नए मकान, वाहन या दुकान की खरीदारी कर सकते हैं। ये निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होगा और आपकी संपत्ति में वृद्धि करेगा। हालांकि इस खरीदारी को करते समय सभी दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें। संपत्ति संबंधित विवाद। यदि आपके पास कोई संपत्ति संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें आज आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी पक्ष आपकी किसी गलती को पकड़ सकता है, इसलिए सभी दस्तावेज और सूचनाएं ठीक से जांचें और कानूनी सहायता लें। प्रेम जीवन। प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने साथी के साथ विवाह बंधन में बंध सकते हैं। ये निर्णय आपके जीवन में नई खुशियों और स्थिरता का प्रवेश करेगा। आपको अपने रिश्ते में मजबूती और अपने साथी के साथ सामंजस्य का अनुभव होगा। खर्चों में बढ़ोतरी। आज आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि आपको अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। बजट बनाकर चले और केवल आवश्यक खर्चों पर ही ध्यान दें ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन आपके लिए समृद्धि और सफलताओं से भरा हो सकता है, बशर्ते आप सावधानी पूर्वक और समझदारी से कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि प्रातः काल उठते ही शनि देव के 10 नामों का स्मरण करें। यह उपाय करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। शनि देव के 10 नाम है, 1 कोनिष्ठ, 2 पिंगल, 3 बभ्रू, 4 कृष्ण, 5 रौद्रांतक, 6 यम, 8 शनश्चर, 9 मन, 10 पिप्पलाद। इन नामों को स्मरण करते समय श्रद्धा और भक्ति भाव से उच्चारण करें। इसे करने की विधि है, सबसे पहले प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत स्थान पर बैठें। इसके बाद गहरी सांस लें और मानसिक शांति प्राप्त करें। फिर शनि देव के इन 10 नामों का उच्चारण करें। यह उपाय नियमित करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज के दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सकारात्मक परिणाम। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपको संतोष और खुशी की अनुभूति होगी। कारोबार में तेजी। व्यापार में आज आपके प्रयास रंग लाएंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। ये समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने और विस्तार करने के लिए उत्तम है। महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर पूरी निगाह बनाकर रखनी होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें और धैर्यपूर्वक कार्य करें। इससे आपको भविष्य में लाभ होगा और गलतियों से बचने में मदद मिलेगी।
पुरानी गलतियों से सबक। आज का दिन आपकी पुरानी गलतियों से सबक लेने का है। अपने अतीत की गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। यह आत्मनिरीक्षण आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सहायक होगा। रिश्तों में नई ऊर्जा। आज आपके रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। ये समय आपके प्रियजनों के साथ भावनात्मक संबंधों को और गहरा करने का है। जीवन साथी के करियर में प्रगति। यदि आप अपने जीवन साथी के करियर को लेकर चिंतित थे, तो आज उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। उन्हें किसी अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी और आप दोनों को राहत मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। ध्यान केंद्रित करें और निरंतर प्रयास करें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन वृष राशि वालों के लिए उत्साहजनक और सफलताओं से भरा होगा। समझदारी और धैर्य के साथ हर कदम उठाएं, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है, दुर्गा माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, 16 अपराजिता माँ को अर्पित करें और माता दुर्गा की आराधना करें। सिंदूर का तिलक लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपको सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही नीले अपराजिता फूल माँ को अर्पित करें। ये फूल माँ दुर्गा के प्रतीक होते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना से आपका मन शांत होता है और आपको शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगाने से भी आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि का आभास होता है। यह उपाय आपको 9 दिन आने वाला शुक्रवार तक जारी रखना है, मनोकामना पूरी करने के लिए। आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज के दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? बड़ी उपलब्धि। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है। यह उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन में। आपको इसके लिए पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। नौकरी में उन्नति। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी है। आपको अपने मेहनत और समर्पण के चलते किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। ये पद आपके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिससे आपको अधिक जिम्मेदारियां और सम्मान मिलेगा। लक्ष्यों पर फोकस। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से फोकस रहना होगा। ध्यान भटकाने वाले कारकों से दूर रहें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपके स्पष्ट उद्देश्य और दृढ़ संकल्प ही आपको सफलता दिलाएंगे। विरोधियों से सावधान। आज कुछ विरोधी आपकी राहों में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा और उनकी चालों से बचना होगा। अपने कार्यों को गोपनीय रखें और अपने निर्णयों में सावधानी बरतें, ताकि कोई भी आपके खिलाफ न खड़ा हो सके। आंखों से संबंधित समस्या। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और समय पर उचित चिकित्सा सलाह लें। आंखों की देखभाल के लिए नियमित जांच और आवश्यक उपाय करना जरूरी है, ताकि कोई गंभीर समस्या न उत्पन्न हो। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए उत्साहजनक और चुनौतियों से भरा हो सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे आप हर स्थिति में सफल हो सके। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग नींबू का रंग। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है, जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी ले और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौन सा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है।
उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम, 1 ओम सूर्याय नमः, 2 ओम भास्कराय नमः, 3 ओम रवये नमः, 4 ओम मित्राय नमः, 5 ओम भानवे नमः, 6 ओम खगय नमः, 7 ओम पुष्णे नमः, 8 ओम मारिचाय नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्रे नमः, 11 ओम आर्काय नमः, 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको अगला रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज के दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? भागदौड़ से भरा दिन। आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त और भागदौड़ से भरा रहेगा। विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच आपको समय निकालना कठिन हो सकता है। इस भागदौड़ का असर आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मन में कई विचार, आपके मन में एक साथ कई विचार आएंगे। इन विचारों को तुरंत अपने बिजनेस में अमल करना फायदेमंद रहेगा। नए आइडियाज और योजनाओं को लागू करने से आप अपने व्यापार में अच्छी प्रगति कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बड़े लाभ और छोटे लाभ पर ध्यान। आपको किसी बड़े लाभ की संभावना को देखते हुए छोटे लाभ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे लाभ भी मिलकर बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए सभी संभावनाओं पर ध्यान दें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो। थकान और पैरों में दर्द। भागदौड़ अधिक रहने के कारण आपको थकान और पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बीच बीच में आराम करें। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करना लाभदायक होगा। माता पिता का आशीर्वाद और नई शुरुआत। माता पिता के आशीर्वाद से आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने में सफल रहेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके नए उपक्रम में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। यह नई शुरुआत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और भविष्य में उन्नति के रास्ते खोल सकती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरा रहेगा। व्यस्तता के बावजूद अपने विचारों को अमल में लाएं, छोटे छोटे लाभों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नई शुरुआत करें ताकि आप अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है माँ अन्नपूर्णा की उपासना करना। इस उपाय के अनुसार आपको एक पीतल के बर्तन में गाय का दूध रखना है और उसमें चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनानी है। इस खीर को माँ अन्नपूर्णा को भोग के रूप में अर्पित करें और फिर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद उसी पीतल बर्तन में गेहूं या चावल भरकर रखें और उसे खाली न करें। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख और शांति होगी। यह उपाय अन्न की आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करता है और घर के सदस्यों को प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करता है। गाय का दूध और गेहूं या चावल घर में अन्न की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जो समृद्धि और स्थिरता की प्रतीक होते हैं। माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाकर हम उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें संतुष्टि और आत्मा की शांति प्रदान करता है। इस उपाय के अनुसार आपके घर में हमेशा अन्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी, जो आपके परिवार की स्वास्थ्य और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आप सौभाग्यशाली होंगे। सिंह राशि फल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? समस्याओं भरा दिन। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यह समय आपके धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आज किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में न लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं और इससे आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। अपने सभी विकल्पों पर सोच समझकर ही निर्णय लें। पूरी तैयारी से आगे बढ़ें। अपने कार्यों में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। बिना तैयारी के कोई कदम उठाने से आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। योजना बनाकर और सभी आवश्यक जानकारी जुटाकर ही आगे बढ़ें ताकि आप समस्याओं से बच सकें। साझेदारी में उलझन। साझेदारी में किसी काम को करते समय आपको उलझने हो सकती है।
साझेदार के साथ स्पष्टता और विश्वास बनाए रखें। किसी भी विवाद या असहमति को संवाद के माध्यम से हल करें ताकि आपकी साझेदारी मजबूत बनी रहे। संतान के करियर की समस्या। यदि आपको अपनी संतान के करियर को लेकर कुछ समस्याएं थी तो आज वे दूर हो सकती हैं। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से संतान अपने करियर में प्रगति कर सकती है और आपकी चिंताएं कम हो सकती है। पुराना लेन देन। आज कोई पुराना लेन देन आपको परेशान कर सकता है। ये किसी वित्तीय मामले से संबंधित हो सकता है जो लंबे समय से लंबित है। इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और लेन देन को निपटाने के लिए उचित कदम उठाएं। विद्यार्थियों की समस्या। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए आवश्यक संसाधनों और मार्गदर्शन की व्यवस्था करें जिससे वे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सावधानी और धैर्य से भरा रहेगा। समस्याओं का समाधान पाने के लिए सोच समझ कर कदम उठाएं और अपने कार्यों में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें और जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज सिंह राशि वालों के लिए श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होगा। श्री सूक्त देवी लक्ष्मी की स्तुति में रचित है और इसे पढ़ने से सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने पुष्प धूप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर ध्यान एकाग्र कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ आरंभ करें। पाठ करते समय मन को शांत और श्रद्धायुक्त रखें जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। पाठ पूरा होने के बाद देवी लक्ष्मी से अपने परिवार और जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। यह उपाय आपको 9 दिन आने वाला शुक्रवार तक जारी रखना है। मनोकामना पूरी करने के लिए आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और जीवन में खुशहाली के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन कन्या राशि वालों के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परस्पर सहयोग, आर्थिक संबंधों की सावधानी, धार्मिक कार्यों में रुझान और परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार रहें। परस्पर सहयोग की भावना। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए परस्पर सहयोग और समर्थन के भावना लेकर आएगा। आपको अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलजुल कर काम करने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुझान। धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। आपको अपने आध्यात्मिक अनुभवों में और गहराई से जुटने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी। आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। वित्तीय प्रबंधन में सतर्कता बरतने से आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भाई बहन से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। उनके सहयोग और सलाह से आप अपने नए परियोजना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खर्चों का बढ़ना। आप खुद बढ़ते खर्चों के संबंध में चिंतित रहेंगे। धन के बचत और सावधानी से व्यवस्था करें ताकि आप आने वाली समस्याओं से निपट सके। पिताजी के स्वास्थ्य का समाधान। अगर पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो आज उन्हें आराम मिल सकता है। आपके समर्थन और देखभाल से उनका स्वास्थ्य सुधार सकता है। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको आने वाले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अनुभवों का एक मिश्रित दिन होगा।
आपको लोगों के साथ यह मिलाजुला और सावधानी से भरा दिन हो सकता है, जिसमें आपको समस्याओं का सामना करने का मौका मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें अपनी मेहनत और लगन से काम करने का मौका मिलेगा। उनके पद में आज वृद्धि हो सकती है और उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। मिल मिलाप। आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलने जा सकते हैं और साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। इससे आपकी सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों में मजबूती आ सकती है। काम में रुकावट। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो आज वह आपके लिए नई समस्या लेकर आ सकता है। इसका समाधान ढूंढने के लिए सतर्क रहें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। जल्दबाजी में निर्णय। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है, तो यह आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। समस्याओं को हल करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपने विकल्पों को समझें। स्वास्थ्य का ध्यान। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करें ताकि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत जगह पर बैठें और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आपको अगले शनिवार तक जारी रखना होगा। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे आशा है कि अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज के दिन वृश्चिक राशि वालों को संवेदनशीलता और समझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है और आपके विचारों में अस्थिरता महसूस हो सकती है। ध्यान दें कि तनाव और समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सही रास्ता चुनें। माताजी के साथ झड़प। माताजी से बेवजह किसी बात को लेकर झड़प हो सकती है, इसलिए संवेदनशीलता और समझ से बातचीत करें। विवेकपूर्ण तरीके से बात को सुझाने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में ध्यान की कमी। आपको कार्यक्षेत्र में अपने से अधिक औरों के कामों पर ध्यान लगाने की प्रवृत्ति हो सकती है। यह आपके कामों में गड़बड़ी का कारण बन सकता है। जीवन साथी से माफी। यदि आपके जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो आपको माफी मांगने की आवश्यकता हो सकती है। संवेदनशीलता और समझ से इस समस्या को हल करें। स्वास्थ्य का ध्यान। आपके स्वास्थ्य को लेकर योग और व्यायाम को अपनाने से आप समस्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है।
थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ, सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ, सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ, घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है। स्थिरता, सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि, सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है। धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आप आने वाले रविवार तक करें। आप आपकी सभी मनोकामना भगवान सूर्य को बोलें और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मिला जुला और प्रसन्नता भरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका मिल सकता है जिससे आपकी प्रसन्नता और आनंद बढ़ सकते हैं। पुराने काम को पूरा करने की कोशिश। आपको अपने रुके हुए किसी काम को पूरा करने की आज पूरी कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको अपने आप में संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। पुराने वादे भूलना। आप माताजी से किए हुए किसी वादे को भूल सकते हैं और इससे आपकी संबंधों में मिलावट दूर हो सकती है। धन की वापसी। यदि आपने पहले किसी को धन दिया था तो वह आपको आज वापस मिल सकता है। यह आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात। घूमने फिरने के दौरान आपकी किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आपके भविष्य में मददगार साबित हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। धनु राशि का उपाय प्रेमली। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है देवी दुर्गा की पूजा करना और उन्हें अपनी समर्पण करना। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति को शक्ति, सुरक्षा और संजीवनी की प्राप्ति होती है। उपाय का विवरण। 1. देवी दुर्गा की पूजा। सबसे पहले व्यक्ति को देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए 21 अपराजिता फूलों का उपयोग करें। इन फूलों को देवी के प्रतिमा के सामने समर्पित करें। 2. आरती और मंत्र जाप। देवी दुर्गा को कर्पूर से आरती करें और ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र देवी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। 3. दुर्गा सप्तशती पाठ। सुबह शाम व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस पाठ से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को संजीवनी शक्ति मिलती है। 4. दुर्गा यंत्र का अर्पण। व्यक्ति को एक श्वेत पत्र के ऊपर दुर्गा यंत्र बनाना चाहिए और उसे देवी के समक्ष समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाकर व्यक्ति को संजीवनी शक्ति, संयम और आत्मा की ऊर्जा मिलती है। ये साथ ही व्यक्ति को साहस, समर्थन और सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मकर राशि फल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और बदलाव भरा दिन होगा। आपको अपने कामों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी जिससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सके। साथ ही आप आज जनकल्याण के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिससे आपके सामाजिक संबंध और जन समर्थन में वृद्धि होगी। आज आपको कई शुभ सूचनाएं मिलेंगी जो आपके मनोबल को और भी मजबूत करेगी और आपको नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए किसी संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। अंतराल में घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आपके भविष्य में मददगार साबित हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मकर राशि का उपाय प्रेमली। मकर राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दशाक्षर मंत्र की साधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले एक साफ और शांत स्थान का चयन करें। महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक साफ आसन पर बैठें। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। माँ को सिंदूर और अक्षत अर्पित करें।
नैवेद्य अर्पित करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित दशाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। यदि संभव हो तो 3, 7 या 11 मालाओं का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय पूर्ण भक्ति और श्रद्धा का भाव रखें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद महालक्ष्मी से अपने मन की इच्छाओं और समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। साधना समाप्त होने पर देवी महालक्ष्मी की आरती करें। प्रसाद के रूप में नैवेद्य वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ओम शांति 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 का उच्चारण करें। महालक्ष्मी की साधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय आपको आने वाले शुक्रवार तक 7 दिन जारी रखें। मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे आशा है कि आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज के दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और खुशियों से भरपूर होने का मौका होगा। घर के माहौल में खुशियों की खुशबू महसूस होगी और आपके परिवार के सदस्यों के साथ एक उत्सव जैसा माहौल बनेगा। रिश्तों में गहराई से जुड़ने का समय होगा और आपका साथित्व और सहयोग पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण होगा। आपके व्यक्तिगत प्रयास आज भी तेजी से प्रगति करेंगे। आपकी सामाजिक क्षमता और उत्साह के कारण आपके प्रयासों को समर्थ और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी। आपको सभी के साथ एक साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपकी सामूहिक सफलता में वृद्धि हो। हालांकि आपको किसी यात्रा पर जाने की संभावना है और इसमें सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने किसी संतान को कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे पूरी दिली से समझाना और संबोधित करना आवश्यक होगा, ताकि वह अपने कर्तव्यों को समझकर पूरा कर सके। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज कुंभ राशि वालों के लिए गुल की जड़ को दाहिनी भुजा में बांधना अत्यंत शुभ होगा। गुल की जड़ का प्रयोग तंत्र और आयुर्वेद में विशेष रूप से किया जाता है और इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले गुल की जड़ को शुभ मुहूर्त में प्राप्त करें। इसके बाद जड़ को गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। धार्मिक और स्वच्छ वातावरण में बैठकर गुल की जड़ को एक लाल या पीले रेशमी धागे में बांधें। इस दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र उच्चारण के बाद इस जड़ को अपनी दाहिनी भुजा में बांधें। इसे बांधते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और देवी देवताओं का स्मरण करें। गुल की जड़ को दाहिनी भुजा में बांधने से आपको नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलेगी और जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह उपाय आप शुक्रवार या शनिवार को कर सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और समस्याओं से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की और प्रगति को देखकर आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि कोई भी जल्दबाजी या असावधानी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पारिवारिक स्तर पर भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि परिवार के भीतर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, जिससे आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में उलझे हुए हैं और इसे लेकर चिंतित हैं, तो आज उस समस्या का समाधान निकल सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति में सुधार होगा। संतान पक्ष से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्य आपकी प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर ये दिन सतर्कता और समझदारी से काम लेने का है, ताकि आप सभी समस्याओं और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और जीवन को संतुलित बना सके। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय घर में सुख शांति और बरकत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस उपाय में आज के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाना और शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना समाहित है। शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाने से घर में शिव की कृपा बरसती है। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने से भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा घर में बढ़ती है। ये स्त्रोत शिव की महानता और शक्ति का प्रतीक है। इस स्त्रोत का पाठ करने से मन की शांति और स्थिरता मिलती है, जो घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। इसके अलावा गायों को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय को हरा चारा खिलाना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे घर में बरकत और समृद्धि का अनुभव होता है। आर्थिक लाभ। गाय को खिलाया गया हरा चारा घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और विपत्तियों से बचाव करता है।
ये प्रयास गणेश जी को प्रसन्न करता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। इस उपाय का पालन करने से जन्म कुंडली में बुध की दशा में सुधार होता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यह उपाय शांति और समृद्धि के आने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और एकता को भी बढ़ावा देता है। ये उपाय आपको 7 दिन या आने वाले बुधवार तक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।